चीन के वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है और इसमें सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका है, क्योंकि इस वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही वहीं मचा रखी है। और ऐसे में जिस बात का इंतजार हो रहा था कि आखिर अमेरिका चीन के साथ क्या करेगा, उसके परिणाम दिखने शुरू भी हो गए हैं। अमेरिका के बड़े नेता और साथ ही साथ कांग्रेस के सदस्य धमकी दे रहे हैं कि अब चाइना पर निर्भरता पूरी तरह से कम करनी होगी, क्योंकि कोरोना संकट से चीन को व्यापारिक तौर पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। वहीं अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देशों को तगड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है और ये नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताने के साथ ही खोलकर चीन का विरोध कर रहा है। इसी के साथ ही साथ अमेरिका चीन से अपनी कंपनियों को निकालने की तैयारी में भी लगा हुआ है। वहीं कोरोना से मात खा चुके बहुत से देश गुस्से में हैं, जो एक बार कोरोना संकट खत्म हो जाने के बाद बीजिंग से इसका हिसाब बराबर करने के मूड में दिख रहे हैं। वहीं इटली में तो चाइना के खिलाफ सोशल मीडिया पर ढेर सारी पोस्टें लिखी गई हैं। इटली में लोगों के बीच से चीन से मुआवजा मांगने तक की बात सामने आ चुकी है। सीधे तौर पर इटली की सरकार ने तो चीन के खिलाफ कोई कड़ा रुख इख्तियार नहीं किया है, लेकिन संभवतः इस बीमारी से निजात पाने के बाद बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। वहीं जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के कई देश और कनाडा, ब्राजील पहले ही चीन से खफा है, जो इस बीमारी से हुई मौतों के बाद किसी भी सूरत में चीन की गलती को माफ करने के मूड में नहीं लग रहे हैं। लिहाजा संभव है कि दुनिया की कई ताकतवर शक्तियां चीन से हिसाब किताब बराबर करेंगे जरूर। वहीं ब्रिटेन और जापान ने तो चीन से हिसाब किताब बराबर करना शुरू भी कर दिया है। ब्रिटेन ने अपनी विभिन्न यूनिवर्सिटीज में चीनी छात्रों की छटाई करना और इसी के साथ ही जो चीनी कामगार हैं उनकी छटाई करने का भी मन बना लिया है। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का मानना है कि उनके देश को चीन के साथ संबंधों का दोबारा मूल्यांकन करने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि चीन पूरी दुनिया में राहत सामग्री बेचकर अपना मुनाफा कमा रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पर जापान ने उसे जोरदार झटका दिया है। दरअसल जापान ने अपने देश की सभी कंपनियों से कहा है कि वे तुरंत अपनी फैक्ट्रियों को चीन से निकालकर जापान व अन्य देशों में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दें। इसके लिए जापान ने अपनी कंपनियों को लगभग 2.2 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिसमें COVID-19 के खिलाफ साझा सहयोग के अलावा इस महामारी के बाद के माहौल में साझा आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, क्योंकि चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियों का वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बाहर उत्पादन करने के लिए 2.2 अरब डॉलर का फंड दिया गया है, लिहाजा वो भारत में ज्यादा से ज्यादा कारोबार स्थापित कर सकती हैं। वहीं US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मुताबिक अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर के चरम पर चीन पर उत्पादन करने वाली 200 अमेरिकी कंपनियां पिछले साल ही भारत में निवेश की इच्छा बता चुकी हैं। अब कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन के जिम्मेदार होने से ये कंपनियां भारत में निवेश के लिए और भी ज्यादा जल्दबाजी दिखा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल जैसी जापानी और अमेरिकी कंपनियों को लाने में सफलता इसलिए भी मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही एकजुट होकर काम करेंगी, क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से कदम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, राज्य सरकारों को भी सहयोग करना होगा। वैसे मोदी सरकार निवेश को लेकर ऐसी नीति बना रही है जो केंद्र और राज्य दोनों जगह मान्य होंगी, इसी की वजह से राज्य सरकारों की तरफ से रोड़े अटकाए नहीं जा सकेंगे।